हूँ निर्मला राव। इस वक्त की खबर आ रही है दौसा के सिकंदरा से, जहां गुर्जरों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि गुर्जर आरक्षण मुद्दे पर सरकारों ने बारी बारी उनके साथ छलावा किया है, अब सिर्फ हक के लिए आर पार की लड़ाई होगी। गुर्जर नेता मान सिंह गुर्जर ने कहा कि शासन प्रशासन के साथ ही नेताओं ने भी अब तक आरक्षण मुद्दे पर गुर्जरों सहित एबीसी के साथ छलावा किया है। आंदोलनों के बाद बार बार समझौतों के नाम पर प्रदेश की सरकारें समाज के साथ धोखा करते आई हैं, लेकिन अब गुर्जर समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अब अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के लिए वो तैयार है। मनफुल पटेल को पत्रकारों से बातचीत के समय मानसिंह गुर्जर ने कहा कि समाज आरक्षण के मुद्दे पर एकजुट है और सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए आंदोलन का मानस बनाए हुए है। एक सवाल के जवाब में मानसिंह गुर्जर ने कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला उनके नेता है, नेतृत्व आरक्षण की लड़ाई सामाजिक मंच से लड़ी जाएगी। वहीं देवसेना जिलाध्यक्ष जल सिंह कसाना ने कहा कि उनके नेता कर्नल किरोड़ी बैसला के नेतृत्व में ही सारी लड़ाई लड़ी जाएगी। कसाना ने बताया कि सरकार 2007 और 2008 आंदोलन को देख कर ले और गुर्जर उस तरह का आरक्षण आंदोलन फिर कर सकता है। अभी रेल ट्रैक और सड़कों पर आने को वो भूला नहीं है। शहीद स्थल पर गुर्जर समाज के लोगों ने जिला डीएम को बुलाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों की प्रक्रिया दिन भर्ती 4% भर्ती को लेकर, देवनारायण योजना, स्कूटी, इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और एडीएम लोकेश मीणा ने बताया कि वो जल्दी ही सरकार तक बात पहुँचा देगी। आज की जो बैठक रखी है गई है उसमें आरक्षण समिति और अधिकारी बैठे और उसमें निर्णय ये लिया गया है। एक तो जो आरक्षण के अंदर अन्य कास्ट को जो एमबीसी में शामिल करने की बात आ रही है उसका विरोध करते हैं। बेहतर लोग हमारे मरे और अन्य कास्ट को अगर कहीं देना है तो दूसरी जगह दे, एमबीसी में कोई जगह नहीं, उसका कड़ा विरोध है। दूसरा जो देवनानी स्कूटी योजना है उसको सरकार ने बंद करके नई एक योजना है कालीबाई भील, उसमें उसके तहत गुजरों को यानी एमबीसी को स्कूटी वितरण करने की बात आ रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हमें कालीबाई भील का विरोध नहीं है, हमें विरोध है तो ये है कि हमारे जो स्कूटी जो दी जाए वो केवल देवनान स्कूटी योजना के तहत एमबीसी को गुजर समाज को दी जाए। जब तक बदलेगा नहीं जब तक विरोध, बिल्कुल विरोध। और इसके अलावा हमारी जो प्रक्रिया दिन भर्ती है जो समझौता में जनवरी 2019 में जो तय हुई है वो प्रक्रिया दिन भर्तियों में हमें अभी लटकाया जा रहा है। मैं इसके लिए सरकार को पूरी तरह से दोषी ठहरा रहे हैं हम, क्योंकि सरकार वादा करती है पूरा नहीं करती। इसके अलावा हमारे जो मुकदमे हैं उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, लटकाते 2007 से आज का समय 2019 पूरी होने जा रही है, इसका भी विरोध है। अगर सरकार ने इन बातों पे गौर नहीं किया तो दोबारा 2007 और 8 की पुनरावृत्ति होगी। हम सब एक हैं, कर्नल बैसला लीडर है और कर्नल बैसला और हम सब मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कर्नल बैसला के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाएगी और जल्दी ही 15 दिन के अंदर अगर इस पर कोई सकारात्मक बात नहीं आई तो इसका बहुत तगड़ा विरोध होगा और आंदोलन होगा, उसके लिए जगह और समय तय कर लिया। इसके साथ ही इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।